और ये आंदोलन जैसा हमने पहले कहा था पूरी तरह से चलेगा जब तक ईवीएम को उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाएगा। हमारा इलेक्शन कमीशन से आग्रह है किस चीज को सोचे, देश की जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने धोखा किया है और लगातार कर रहे हैं वो बंद करें और ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करें। इलेक्शन कमीशन के अलावा कौन कौन शामिल हैं वो हम सारी चीजें उस दिन बाकायदा आपके सामने खुलासा करेंगे, तो किसी को कुछ शक नहीं रहेगा कि कहां कहां ये सारी गड़बड़ी कैसे कर रहे हैं और क्यों हटाना नहीं चाहती सरकार। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो ईवीएम का आंदोलन आप लोगों के सहयोग से ये आंदोलन देश के कोने कोने में गांव-गांव तक पहुंचा, हर जगह से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा हमने जंतर मंतर पर एक नंबर दिया था, आपकी कल्पना से बाहर है जिस तरह से देश के हर कोने से लोगों के फोन आ रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हम यहाँ काम करेंगे, इस आंदोलन में पूरी ताकत से करेंगे। कम से कम 15,000 के लगभग फोन में अब तक मेरे पास आ चुके, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो साथी हैं आदरणीय भाई महमूद पराचा जी, आदरणीय मंत्री जी राजन पाल गौतम जी और जो साथी हैं सबके पास लगातार फोन हार से आए हैं। श्री उमा शंकर साहनी साहब हमारे साथ में हैं और मंडल साहब भी हैं जी, आदरणीय एच सी मंडल साहब ये भी हमारे साथ में और बाकी और बहुत सारे साथी, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। लोकेंद्र गुजर साहब भी हैं, तो जो आगामी कार्यक्रम रहेगा जैसा हमने आपको कहा था, हमने वहां घोषणा की थी, हम बाकायदा प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। अभी उस दिन जो घोषणा की थी 6 लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर टीम बनाई गई, आपको सबके नाम मालूम है, जिसमें मेरा नाम था, भाई महमूद पराचा जी का था, राजन पाल गौतम जी का था, हिजम राजन सिंह का था, आपका था, पीसी कपिल साहब का था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पलपोते भीमराव जी का बना। ये 6 लोगों की नेशनल लेवल टीम बनाई और हमने उसी दिन घोषणा की थी कि यह आंदोलन हर जिले में और हर लोकसभा में ये आंदोलन चलेगा और बाकायदा हम उसकी टीम बनाएंगे और ये भी कहा था कि स्टेट की भी टीम हम बनाएंगे, तो वो सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। और ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ के रूप में उस दिन को मनाएंगे सभी साथ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ये एक प्रोग्राम हमारा है। इसके साथ साथ हम एक नंबर भी आज घोषित करेंगे जो नंबर मिस कॉल के लिए होगा, मिस कॉल, और वो नंबर इसलिए होगा कि जो लोग इस देश में ईवीएम के विरोध में है वो उस नंबर पर बाकायदा मिस कॉल करें ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके कि इस देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग ईवीएम को हटाने के पक्ष में, वो किसी सूरत में ईवीएम बर्दाश्त नहीं करना चाहते, 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। मैं आपको एक खुशी के लिए एक बताता हूं, एक मीडिया हमारे साथी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं, एक सर्वे कराया गया, आप जानकर हैरान होंगे उस सर्वे में 95% लोग ईवीएम के विरोध, 95%, ये जमीनी सच्चाई। और जिस तरह से हमें गांव गांव से लोगों के फोन आ रहे हैं वो इस बात को सच करते हैं, सिद्ध करते हैं कि लोग ईवीएम के खिलाफ है, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं करना चाहता और इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं होने देंगे। ये हमारा सारा प्रोग्राम। अब इसके बाद मैं जो टीम हमने बनाई है, जिन राज्यों में बनाई है उन राज्यों में उन टीम के जो साथी हैं उनके नाम मैं डिक्लेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश से चलता हूं। उत्तर प्रदेश में अभी जो टीम है हमारी, कहीं एक साथी की है, कहीं हमारी 3 साथियों की है, कहीं 4 या 5, जैसे जैसे आगे साथी जुड़ते रहेंगे ये टीम हमारी बड़ी होती रहेगी और एक तरह से ये टीम जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में जानी जाएगी।
इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को अध्यक्ष या कोई ऐसी चीज, वो नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो पूरे स्टेट को कोऑर्डिनेट करेगी, इस आंदोलन को कोऑर्डिनेट करेगी। तो उत्तर प्रदेश से तीन नाम है, चौधरी कृष्णपाल सिंह, दूसरा नाम है श्री पीवी सिंह बौद्ध, तीसरा नाम है एडवोकेट प्रेम सिंह जी। ये तीन नाम राजस्थान में जो हमने टीम बनाई है, राजस्थान में नाम है हमारे पांच नाम, श्री पूरन चंद भंडारी एडवोकेट, आप जानते हैं उस दिन हमारे जंतर मंतर पर प्रोग्राम में आए थे पूरी टीम के साथ, 25-30 साथियों के साथ जो पीली टोपी लगाकर आए थे, एडवोकेट है जयपुर से श्री पूरन चंद भंडारी। दूसरे हमारे जो साथी हैं वो महबूब छिप्पा, ये पाली से है महबूब छिप्पा, और तीसरे जो हमारे साथी हैं वो नरेश पटेल, नरेश पटेल जी हमारे साथ इस आंदोलन में साथ देंगे। एक और साथी हैं हमारे, उनका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, जो महाराष्ट्र की टीम है, महाराष्ट्र की टीम है श्री अशोक बहादरे, आपने देखा होगा करीब 6 फुट की लंबाई, जो उस दिन आए भी थे हमारे प्रोग्राम में, बहुत कर्मठ साथी हैं अशोक बहादरे। साथ में एक एडवोकेट हैं श्री सतीश कांबले, सतीश कांबले, और साथ में एक और एडवोकेट हैं मिलिंद, ये साथी हमारे तीन महाराष्ट्र से रहेंगे। जो गुजरात की हमारी टीम है, उस गुजरात की टीम में एक बहुत बड़ा नाम है, आप देखेंगे छोटू भाई बसावा, उनकी अपनी पार्टी भी आदिवासी समाज से है, बहुत ही समाज के लिए लड़ने मारने वाले व्यक्ति छोटू भाई बसावा। साथ में है इशाक भाई मरेड़िया, ये बहुत ही कर्मठ साथी हैं, और वहां पर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने वाले, जो जिस तरह से लोगों के एनकाउंटर कराए गए उस सब के खिलाफ कोर्ट में लड़ने वाले, जमीन पर लड़ने वाले बड़े मजबूत साथी इशाक भाई मरेड़िया। एक और साथी है वहां पे अतुल पटेल, जो आरक्षण का आंदोलन था बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने किया, और जो 16 तारीख को है, ये उस दिन जब हमारा आंदोलन होगा यहाँ पटे यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट से ईवीएम का प्रदर्शन, ये उस दिन दिखाएंगे, इन्होंने अपनी अलग टेक्नोलॉजी से ईवीएम बनाई है, उसका प्रदर्शन ये करके दिखाएंगे अतुल पटेल। मध्य प्रदेश से जो हमारी टीम है, ये है इंजीनियर अजय कुमार, इनकी एक अपनी पार्टी भी है, मैं इंजीनियर अजय कुमार। साथ में श्री धर्मेंद्र कुशवाहा, ओबीसी आंदोलन में एक बड़ा नाम, लगातार लड़ते रहे। एक साथी है मिलिंद बौद्ध, बहुत जमीन पे काम करने वाले साथी, बल्कि अपनी एक टीम बना के वहाँ बाकायदा संविधान को लेके लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए ये लगातार प्रभात फेरी करते हैं। साथ में हमारे साथ साथी बैठे हैं लोकेंद्र गुजर जी, ये हमारी मध्य प्रदेश की टीम में ये चार साथी अभी हमारे साथ में रहे। इसके साथ साथियों जो हमारी टीम है असम की, असम में हमारे एक बहुत युवा साथी हैं, जो यूनिवर्सिटी में जो अपनी यूनियन वगैरह उसमें मजबूत साथी रहे, प्रेसिडेंट रहे हैं, रहीबुल शेख, रहीबुल शेख ये हमारे वहाँ के असम के अभी इंचार्ज। बंगाल के अभी हमारे साथी एक हैं मिस्टर गोम्स, ये हमारे वहाँ के साथी इंचार्ज रहे। साथ में जो मणिपुर से हैं, मणिपुर से एक साथी हैं हमारे लुवांग चा, लुवांग चा ये मणिपुर से हमारे साथी रहे। इसके अलावा साथियों जो तेलंगाना की टीम है, तेलंगाना की टीम में एक साथी है बहुत ही मजबूत साथी समता सुदर्शन, ठीक है समता सुदर्शन, और दूसरे साथी हैं वेंकट प्रवीण, ये दोनों साथी अभी जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ में हम झारखंड में आते हैं, तो झारखंड में तीन बहुत जमीनी काम करने वाले साथी हैं, एक है श्री एस एन कुशवाहा, और दूसरे साथी हैं श्री राजेश कुमार गुप्ता, और तीसरे साथी हैं प्रोफेसर प्रेमानंद मंडल। बिहार में हम जब आ जाते हैं तो बिहार की टीम में अभी साथी हैं एच सी मंडल, हमारे साथ में यही पे खड़े हैं श्री उमा शंकर साहनी जी, यही पे खड़े हैं आप देख रहे हैं। तीसरे साथी हैं रणधीर राणा, रणधीर राणा। इसके अलावा जो हमने टीम घोषित कर रहे हैं वो है उड़ीसा और कर्नाटक। उड़ीसा में हमारे साथ हैं सुजोय घोष, सुजोय घोष हमारे साथी हैं, और दूसरे साथी हैं सुरेश महानंदा, सुरेश महानंदा। और कर्नाटक में जो हमारी टीम है
उसमें है सतीश कुमार और दूसरे जो साथी हैं वो सूर्यकांत निम्बलकर। इस तरह से जो आप देख रहे हैं हमने कितने स्टेट की टीम घोषित करी है। अभी तक 13 राज्यों की टीम हमने इस समय घोषित की और आने वाले समय में बहुत उम्मीद है कि हम 21-22 तारीख से पहले बाकी और राज्यों की भी और इन टीम में और जो साथी जुड़ना चाहेंगे हम वो भी घोषित करेंगे और साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टीम है लोकसभा लेवल पर है बहुत सारे हैं। मैसेज अभी हम देख नहीं पाए, लगातार मैसेज आ रहे हैं क्योंकि फोन भी आ रहे हैं मैसेज भी भेज रहे हैं। हम इन 5-7 दिनों में वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम टीम घोषित करेंगे। तो अब इसके साथ अब आप समझ सकते हैं कि ये आंदोलन देश भर में हर जगह राजधानी से लेके जिले कमिश्नरी तहसील ब्लॉक और नीचे गांव तक ये आंदोलन पहुंच चुका है और ये आंदोलन जैसा हमने पहले कहा था पूरी तरह से चलेगा जब तक ईवीएम को उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाएगा। हमारा इलेक्शन कमीशन से आग्रह है किस चीज को सोचे, देश की जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने धोखा किया है और लगातार कर रहे हैं वो बंद करें और ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करें। एक और चीज मैं यहां घोषित करना चाहूंगा, ईवीएम से जो चुनाव कराया जा रहा है और जिस तरह से इस देश की जनता उसकी पीठ में छुरा भोंका जा रहा, उस जनता को हम बताएंगे कि इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, इलेक्शन कमीशन के अलावा कौन कौन शामिल है, वो हम सारी चीजें उस दिन बाकायदा आपके सामने खुलासा करेंगे। तो किसी को कुछ शक नहीं रहेगा कि कहां कहां ये सारी गड़बड़ी कैसे कर रहे हैं और क्यों हटाना नहीं चाहती सरकार और इलेक्शन कमीशन और कहीं कोर्ट भी किस तरह से उनके झांसे में आ गई या उनके तीर से उनके षड्यंत्र में फंसी हुई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।